तो क्वेश्चन ऑप्शन है, एक के और एक एम में क्या अंतर है। अब एक के का मतलब क्या होगा दोस्तों, पहले ये जानेंगे, फिर एक एम का मतलब क्या होगा ये जानेंगे, फिर कह रहा है इनका अंतर निकालिए, फिर इनका अंतर निकालिए। देखो एक के का मतलब कितना होगा, देखो एक के, तो एक के बराबर तो दोस्तों 1000, एक कंप्यूटर की भाषा में एक के का मतलब कितना होगा 1000, एक के का मतलब कितना होगा 1000। अगर 2K निकालना हो तो होगा 2000 होगा, है ना। अगर 10K निकालना हो, 10K का मतलब कितना होगा, 10000, है ना। 100K अगर निकालना हो तो 100K का मतलब होगा 1,00,000, है ना। इकाई दाई सैकड़ा, 1000 10000 लाख, 100K का मतलब होता है 1,00,000। अब 100K तक अपन समझ गए हैं। अब यहाँ पूछा अगला, एक एम, एक एम बराबर क्या होगा। देखो एक एम, एक एम बराबर तो 10,00,000, एक एम बराबर कितना, 100K बराबर 1,00,000, और एक एम बराबर होता है 10,00,000 होता है, कितना होता है 10,00,000 होता है। इकाई दाई सैकड़ा, 1000 10000 10,00,000, एक एम बराबर 10,00,000 होता है। एक एम में कितने लाख होते हैं, 10,00,000 होते हैं। अब इसने पूछा है कि एक के और एक एम में अंतर कितना है, तो देखो एक एम यानी 10,00,000, यहाँ पे अपन घटाएंगे एक एक एम माइनस एक के, तो एक एम का मतलब कितना होगा, 10,00,000 होगा। इकाई दाई सैकड़ा, 1000 10000 10,00,000 माइनस एक के में होगा 1000, कितना होगा 1000 होगा। तो ये घटाएंगे तो यहाँ पे कितना, 3, तो 3 सी पर आ जाएगी अपनी, और यहाँ 10 में से एक गया तो 9 बचेगा, फिर 9 का 9 आएगा, और 10 में से एक गया तो 9, 9,99,000 आएगा, 9,99,000 आएगा, कितना आएगा, 9,99,000 आएगा। अब दोस्तों एक बी बराबर क्या होगा, एक बी एन बिलियन, एक बी बराबर क्या होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना।